हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर थर्ड है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसमें हम लेक्चर नंबर थर्ड में देखेंगे सम पार्टिकुलर केसेस। तो यहाँ पे आप हेडिंग नोट करिएगा, पार्टिकुलर केसेस, जिसमें आप पहला केस देखिए, केस नंबर वन, फैन आपका जो फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, यदि आपका कुछ इस फॉर्म में हो कि उसमें केवल एक्स और वाई का टर्म हो और वाई डैश उसमें ना हो, तब हम यूलर्स इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, वही बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। देन यूलर्स इक्वेशन आपका जो यूलर्स इक्वेशन होगा किस फॉर्म में होगा, आपका यही होता है यूलर्स इक्वेशन, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका होता है डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने केस नंबर वन में क्या लिया है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में हो, इसमें वाई डैश का टर्म ना हो, तो वाई डैश नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो आपका जो डेल एफ अपान में डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स और ये आपका जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट आपका जो डेल एफ अपान में डेल वाई है वो आपको किसके बराबर आ गया, जीरो के। तो जब भी आपके पास आपका जो फंक्शनल हो केवल एक्स और वाई के टर्म में आए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे किसका, डेल एफ अपन में डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस देखिए क्या है, केस नंबर टू में देखिए, व्हेन आपका जो फंक्शनल एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश यही होता है, अगर ये सिर्फ किस फॉर्म में हो, y डैश के फॉर्म में हो, इसमें केवल y डैश का टर्म आए, तब हम यूलर्स इक्वेशन किस फॉर्म में लेंगे, देन यूलर्स इक्वेशन आपका किस फॉर्म में लिखा जाएगा, आइए उसको हम यहां पे देख लेते हैं। आपका जो यूलर्स इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से होता है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका जो फंक्शनल का है उसमें केवल y डैश का टर्म आ रहा है, उसमें y का टर्म नहीं है, अगर y का टर्म नहीं होगा तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका क्या होगा, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपको हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। यदि हम इसका इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिल जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट। तो जब भी आपके पास फंक्शनल आपको केवल y डैश के फॉर्म में मिले, उसमें केवल y डैश का ही टर्म हो, तो आप डायरेक्ट यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे क्या, डेल एफ अपॉन में डेल y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक लास्ट केस देखिए, जब आपका केवल फंक्शनल किस फॉर्म में हो, x और y डैश के फॉर्म में हो, x भी हो और y डैश भी हो, केस नंबर थर्ड आप नोट करिएगा, व्हेन आपका जो फंक्शनल एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है, एक्स वाई वाई डैश है, अगर ये किस फॉर्म में हो, आपका इस फॉर्म में हो कि इसमें एक्स का भी टर्म हो और वाई डैश हो, देन आपको जो यूलर्स इक्वेशन, मैं इसको ई लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब है यूलर्स, इसका मतलब है इक्वेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक्स का टर्म आ रहा है, वाई डैश का टर्म आ रहा है,
इसमें वाई डैश का टर्म नहीं आ रहा है, तो जो ये वाला फॉर्म है वही इस वाले फॉर्म में भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आपका हो जाएगा डेल एफ अपान में डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब भी आपको फंक्शनल आपका एक्स और वाई डैश के फॉर्म में मिले तो आप वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे डेल एफ अपान में डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको केवल वाई डैश के फॉर्म में मिले तब भी आप यूज करेंगे डेल एफ अपान डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब आपके पास केवल एक्स और वाई का टर्म आए तब आप यूज करेंगे डेल एफ अपान में डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपका केवल एक्स और वाई डैश का टर्म होगा। ये आपका जो थर्ड वाला केस नंबर आपने देखा अभी, केवल इसमें एक्स और वाई डैश का टर्म है, तब हम इलर्स इक्वेशन को डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लेंगे। आइए इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वन से लेकर के टू तक एक्स क्यूब अपॉन में वाई डैश स्क्वायर डी एक्स विथ, आपका यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो वाई ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री कैन बी एक्सट्रीमाइज। तो यहाँ पे आपको इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शनल है वो केवल एक्स और वाई डैश के फॉर्म में है, इसमें वाई नहीं है, और मैंने आपको केस नंबर थर्ड में बताया जब आपका जो फंक्शनल है वो केवल एक्स और वाई डैश के फॉर्म में होगा तो हम वहाँ पे आपका जो इलर्स इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय द इलर्स इक्वेशन। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू क्या कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आपका जो f है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है एक्स क्यूब अपान में वाई डैश स्क्वायर है। तो आपको फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, ये आपका f है एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश स्क्वायर, इसका हम वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक्स क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये आपका बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, वन अपान वाई डैश स्क्वायर का होगा तो वन अपान वाई डैश स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन माइनस का टू अपान वाई डैश क्यूब, वन अपान वाई डैश स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो आएगा माइनस का टू अपान में वाई डैश क्यूब। अब हम इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट कर देंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू फर्स्ट में आइए पुट करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब और ये अपॉन में क्या हो जाएगा वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे सी से ले रहे हैं। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा सी वाई डैश क्यूब। अब यहां पे देखिए ऑन बोथ साइड हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहां पे देखिए हम क्यूब नहीं करेंगे, यहां पे हम करेंगे माइनस का टू एक्स क्यूब है इसकी पावर हम वन बाई थ्री कर दे रहे हैं, और यहां भी हम सेम चीज करेंगे, ये आपका वाई डैश क्यूब है इसकी पावर आपका वन बाई थ्री, ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब यहां पे देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस के टू की पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा केवल एक्स बचेगा, और आपका जो इस साइड है क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ पे केवल बचेगा वाई डैश। हम आपको ये यहाँ पे जो सी की पावर वन बाई थ्री है इसको हम एक नया कॉन्स्टेंट सी वन यहाँ पर लेट करेंगे, तो यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट हम C की पावर 1 बाई थ्री की प्लेस पे C1 पुट करेंगे, तो आपका ये किस फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम इस साइड ले, और आपका ये हो जाएगा इसके प्लेस पे हम C1 पुट करेंगे और ये आपका y डैश है इज इक्वल टू ये आपका माइनस टू की पावर 1 बाई थ्री है इंटू में x है, इसको आप एज इट इज ऐसे ही नोट कर दीजिए।
अब यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका वाई डैश है, वाई डैश के प्लेस पे हम जानते हैं कि आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए सी वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू की पावर वन बाई थ्री इंटू में एक्स हो गया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यदि हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस टू की पावर वन बाई थ्री ही रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्स होगा और सी इसके अपान में आ जाएगा सी वन, तो ये माइनस टू की पावर वन बाई थ्री अपान में सी वन इंटू में एक्स हो गया। अब हम यहाँ पे इसके प्लेस पे एक नया कॉन्स्टेंट लेट करेंगे कैपिटल ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू में एक्स हो गया। या फिर इसी को आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आन वो सर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वाई का वैल्यू, वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम ले रहे हैं सी टू से। तो आपके पास जो y है वो आपके पास आ गया है ए एक्स स्क्वायर अपान में टू प्लस का सी टू। अभी आपको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दिया गया है, वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ वन पे आपका वैल्यू y का जो है वो जीरो आ रहा है x बराबर वन पे। तो अप्लाइंग यहाँ पे अप्लाई होगा y ऑफ जो वन है वो आपका किसके इक्वल है, जीरो के बराबर है। तो y का वैल्यू जीरो होगा और x का वैल्यू कब, जब आपका वन होगा, तो इसके प्लेस पे वन पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा a बाई टू प्लस का c2। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे टू लेट कर लीजिए। अब देखिए आपका जो सेकंड है वो भी अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई y ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री, x बराबर टू पर y का वैल्यू थ्री है, तो y के प्लेस पे हम यहाँ पे थ्री पुट करेंगे और x के प्लेस पे हम टू लेंगे, तो टू की पावर टू फोर, फोर बाई टू दैट मीन्स टू, तो ये आपका हो जाएगा टू ए और प्लस का c2। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थर्ड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो a का वैल्यू आएगा, इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थर्ड को आप जब सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो आपके पास आएगा टू, और यहाँ पे आपका जो c2 का वैल्यू है वो आपके पास आएगा माइनस का वन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको आएगा a इज इक्वल टू टू और c2 इज इक्वल टू माइनस का वन। अब आपका जो a इज इक्वल टू टू और c2 इज इक्वल टू माइनस का वन आया है, इसी को आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो कि आपका आया है y बराबर ए एक्स स्क्वायर अपान में टू प्लस का c2। तो जब इसमें हम पुट कर देंगे तो आपका जो y है वो आ जाएगा a के प्लेस पे टू पुट करेंगे इंटू में एक्स स्क्वायर अपान में टू है, प्लस का c2 है, c2 के प्लेस पर माइनस वन पुट करेंगे तो आपका ये जो y है आपका आ जाएगा टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद आपको इसका जो हायर ऑर्डर का है वो आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो आपका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।